अगर मुस्लिम महिलाओं को आप न्याय दिलाने के लिए चिंतित हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, एक लाख की पत्नी को न्याय दिलाइए मान्यवर, आप न्याय दिलाइए पहलू खान की मां को, आप न्याय दिलाइए तबरेज की पत्नी को, आप न्याय दिलाइए झारखंड में मॉब लिंचिंग के करके जिन लोगों को मारा गया उनकी माताओं को, उनकी बहनों को न्याय दिलाइए। संजय सिंह, 2 मिनट्स, 2 मिनट। बात कहने का मौका दिया महोदय। चेयरमैन साहब जाना था। भाजपा की सरकार मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना चाहती है, ये बात सुनकर अपने आप में हंसी आती है। वो लोग मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए चिंतित हैं जिन्होंने 1952 से लेके आज तक विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, किसी चुनाव में मुस्लिम महिला को टिकट देने का काम नहीं किया, न मंत्री बनाया, न विधायक बनाया, न सांसद बनाया। यानी सत्ता में अधिकार देने की बात जहां आती है, 52 से लेकर अब तक का इतिहास खुद आप पलट लीजिए, किसी दूसरे को पलटने की जरूरत नहीं है। आपने क्या अधिकार उनको सत्ता में दिया है इसको आप जरूर बताइए। दूसरी बात मान्यवर, अगर मुस्लिम महिलाओं को आप न्याय दिलाने के लिए चिंतित हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, एक लाख की पत्नी को न्याय दिलाइए मान्यवर, आप न्याय दिलाइए पहलू खान की मां को, आप न्याय दिलाइए तबरेज की पत्नी को, आप न्याय दिलाइए झारखंड में मॉब लिंचिंग के करके जिन लोगों को मारा गया उनकी माताओं को, उनकी बहनों को न्याय दिलाइए। लेकिन न्याय देने के बाद तो दूर है, उन मॉब लिंचिंग करने वाले कातिलों को सरकार के मंत्री माला पहना के सम्मानित करते हैं, कैसे आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? कैसे आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे मान्यवर? आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, क्या हुआ उन्नाव में मान्यवर? एक रेप पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की गई, उसके पिता को मार दिया गया, उसकी मां को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो हिंदू थी मान्यवर, और उस रेप के बलात्कार के आरोपी से मिलने सरकार के एक सांसद जाते हैं जेल में, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती मान्यवर। मान्यवर, मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, ये कानून में भेद मत कीजिए। हिंदू हत्या करेगा तो उसके लिए अलग कानून, मुस्लिम हत्या करेगा तो उसके, अभी तो 2 मिनट हुए सर, 2 ही मिनट दिया है। हिंदू हत्या करेगा तो अलग कानून, मुस्लिम हत्या करेगा तो अलग कानून, ये काम मत कीजिए मान्यवर। मान्यवर, जहां तक 3 साल की सजा का प्रावधान है, ये अपने आप में एक अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कानून आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप कानून बना रहे हैं, तो 2018 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए। इस सदन के सत्र को और बढ़ाइए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून इस सदन में पास कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। मान्यवर, मैं महिलाओं को न्याय दिलाने की बात आप कर रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे इस सदन में कि आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आप उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, उन महिलाओं, बस 2 मिनट सर, उन महिलाओं को, ऑलरेडी 3 मिनट, 1 मिनट बस, अंतिम 1 मिनट, उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं जो गोडसे की जिंदाबाद लगाती हैं, उन महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं जो महिलाएं देश के महान शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही कहने का काम करती है, उन महिलाओं को आप न्याय दिलाने की बात करते हैं मान्यवर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप क्या कर रहे हैं ये दिखाई पड़ रहा है। अंत में एक आंकड़ा पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2015 के मुकाबले एनसीआरबी का डाटा है, 82% बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं इस देश में बढ़ी हैं। 38,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं 2015 में दर्ज की गई हैं। और थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन पोल की एक रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 2018 में हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री महिलाओं के लिए बताया गया है। श्री वीरेंद्र बैश सरकार के लिए, श्री वीरेंद्र बैश प्लीज।
आप कंक्लूड करें। नहीं, श्री वीरेंद्र बैस ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके, आपके पास 2 मिनट समय था। सर खत्म, अंतिम बात कहकर खत्म कर रहा हूँ सर। सर मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, मुस्लिम महिलाओं के मामले में आप कानून लेकर आ रहे हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, जिन लोगों ने बगैर 3 तलाक कहे अपनी पत्नियों को छोड़ रखा है उनके खिलाफ कानून लेके आइए।